तुम सब लोगों को मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों चले हम तेरे साथ? क्या गलत किया है हमने? हम लोग सीधे साधे लोग हैं। सबूत क्या है तेरे पास हमको लेके चलने के लिए? पहले वारंट दिखा। कितना है? 102। नॉर्मल है? नहीं। कितना है? 240 कपड़ों के साथ। नॉर्मल है? नहीं। मतलब चिल्ला नहीं सकता? नहीं। सर, आपने मुझे याद फरमाया। वेलकम इंस्पेक्टर। साथियों, इनसे मिलिए, हमारे डिपार्टमेंट के सबसे बहादुर इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर अमर वर्मा, वन मैन आर्मी। इन्होंने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त निकालकर यहाँ आने की जो तकलीफ की है, उसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। इंस्पेक्टर वर्मा, सुना है आज आपने फिर एक बहादुरी का काम किया है। यस सर। शट अप। तुम अपने आप को समझते क्या हो? ब्लडी रैम्बो? पब्लिक प्लेस पर मारपीट करते हो, गोलियां चलाते हो और खून खराबा करते हो? है सर, वो बदमाश मुझ पर गोलियां चला रहे थे, उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। अपने 3 साल के कैरियर में तुमने 30 जीपें तोड़ डाली, पब्लिक प्लेस पर तोड़ फोड़ की और सबसे ज्यादा गोलियां तुमने चलाई है। ये क्या है? गोली किसके लिए? गुस्से के लिए। गुस्से के लिए? सर, अब किसी अपराधी को पकड़ने के लिए उससे लड़ना तो पड़ता ही है, अब उस लड़ाई में किसी का नुकसान हो जाए तो उसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तो पुलिस डिपार्टमेंट का है जिसने तुम्हें इंस्पेक्टर बनाया। माय डियर इंस्पेक्टर, नुकसान तुम करते हो और हर्जाना हमें भरना पड़ता है। जानते हो, तुम्हारी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट इतना हर्जाना भर चुका है कि पिछले 3 साल में डिपार्टमेंट में किसी की तरक्की नहीं हुई हुई है। लेकिन एक बात तो पक्की है, ना तुम रिटायरमेंट देखोगे और ना ही तुम्हें पेंशन मिलेगी, क्योंकि ये सब देखने से पहले तुम ऊपर चले जाओगे। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है, मैं अपना काम पूरी बहादुरी और ईमानदारी से करता हूँ और इसी तरह करता रहूंगा। क्या इसी तरह करते रहोगे? सर प्लीज, तुम एक दिन मेरी जान लेकर रहोगे, लेकिन मैं वो दिन नहीं आने दूंगा। उससे पहले आई विल किल यू, आई विल किल यू। सर, जाने दीजिए सर। पाप के जज्बात को काबू में रखो मिस्टर वर्मा। कूल सर, तुमने मुझे बीमार बना दिया है, हार्ट पेशेंट बना दिया है, मुझे खुशहाल सिंह से फतेहाल सिंह बना दिया है। मैं आज ये किस्सा खत्म करके बच गए। अमर सर, आप? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? माना कि मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूँ, लेकिन सैल्यूट के असली हकदार तुम हो, मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूँ। सर जी, आप क्या कर रहे हैं? आप मुझसे बड़े हैं। इंसान अपनी उम्र से, अपने ओहदे से छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन हकीकत में इंसान अपनी बहादुरी से, अपने काम से छोटा बड़ा होता है। क्यों बिहारीलाल? यस सर, क्या बात कही है, मैं आपको सल्यूट मारता हूँ। आज तुमने ऐसी बहादुरी का काम करके दिखाया है कि सारे पुलिस डिपार्टमेंट को तुम्हारे ऊपर नाज है, तुम्हारे ऊपर फक्र है। और हकीकत तो ये है कि आज जो भी रेपुटेशन पुलिस डिपार्टमेंट की है, वो सिर्फ मेरे और तुम्हारे जैसे पुलिस ऑफिसर्स की वजह से। थैंक यू सर, एक आप ही है जो मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं, वरना कमिश्नर साहब तो हमेशा मुझसे नाराज रहते हैं। कमिश्नर साहब तो आधे पागल है,
पता नहीं ऐसे बुजदिल को किसने कमिश्नर बना दिया। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम अपना काम बहादुरी से और ईमानदारी से करते रहो, फिर देखो तुम कितनी जल्दी तरक्की करते हो। थैंक यू सर। क्यों बिहारी लाल, क्या बात कही है, मैं आपको सल्यूट मारता हूँ। एक्सक्यूज मी, हेलो, व्हाट? अच्छा तुम वहीं ठहरो, मैं भी आता हूँ। ओके, क्या बात है? सर अभी अभी खबर मिली है कि खेतवाड़ी में किसी लड़की का रेप हो रहा है। रेप? रेप? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे जैसे पुलिस ऑफिसर के होते हुए इस शहर में रेप कैसे हो सकता है? और अगर ये रेप हो गया तो यूं समझो उस लड़की का रेप नहीं होगा, सारे पुलिस डिपार्टमेंट का रेप होगा। गो जा। यस सर। देयर गोज माय बॉय। सर, सर बोलो, आप कमिश्नर कब बनेंगे? वैसे तो मैं कमिश्नर 6 साल में बनूंगा, लेकिन अगर अमर चाहे तो 6 दिन में बन सकता हूँ। मैं समझा नहीं सर। तुम्हें तो पता है कि कमिश्नर साहब को हाई ब्लड प्रेशर है, यानी हार्ट अटैक भी हो सकता है, और अमर रोज रोज को ऐसा कांड करता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक दिन वो ऐसा हंगामा करेगा और उनका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि सिर्फ प्रेशर होगा, ब्लड नहीं होगा, फिर उनके जीवन का पंछी हो जाएगा फर्र, और मैं बन जाऊंगा कमिश्नर। वाह क्या बात कही है, मैं आपको सल्यूट मारता हूँ। बस सल्यूट तक ही रखना। तो रेप हो रहा था, वो तो अब होगा। ये आग थी दिल में तभी तभी, हाय जाग उठी है अभी अभी। Thank you.
अमर बेटे जल्दी आ, खाना लगा दिया है। अरे बड़ी भूख लगी है। अरे वाह क्या खुशबू है। अरे अरे कम से कम सुकून से बैठ कर खाना खा लिया कर। अरे माँ पेट ही तो भरना है, चाहे जल्दी खाओ या आराम से खाओ। 24 घंटे काम करता रहता है, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। अरे 24 मिनट खाने के लिए नहीं निकाल सकता? माँ मेरे लिए 24 मिनट भी बहुत कीमती है, मैं सिवाय ड्यूटी की और कुछ नहीं सोच सकता। और वैसे भी तुमने आज का अखबार पढ़ा? अरे तुम्हारे बेटे की धूम मची हुई है, फोटो छपी है, फोटो अमर वर्मा द ब्यूटीफुल ऑफिसर। मुझे इससे कुछ नहीं लेना देना। पहले ये बता तू मुझे गुड न्यूज कब दे रहा है? कौन सी गुड न्यूज? शादी की। शादी? माँ देखो जब तक मुझे बेस्ट पुलिस ऑफिसर का मेडल नहीं मिलेगा मैं शादी वादी बिल्कुल नहीं करूँगा। मुझे मेडल से नहीं बहू से मतलब है। मना किया था मैंने कि बेटे को पुलिस में मत डालो, लेकिन तेरी तरह वो भी जिद्दी है, मेरी एक नहीं मानी। डैडी है कहाँ? पता नहीं यहाँ कब से खाना ठंडा हो रहा है। कौशल्या मेरा तो दिमाग खराब करके रख दिया। क्या हुआ? क्या हुआ क्या हुआ क्या? उस दिन मेरी घड़ी नहीं मिल रही थी, तीसरे दिन मेरी नेकटाई गायब थी, मेरा बेल्ट गायब है, मेरी वो जुराबे गायब है। अब देखो मेरी 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 करते रहते हो, कभी किसी चीज को हमारी भी कहा करो। अच्छा हमारा कच्चा कहाँ है? जब भी मुंह खोलोगे कुछ न कुछ उटपटांग बातें करते रहते हो। तू हंस क्या रहा है, चल खाना खा। डैडी जाने दो, आगे खाना खा लो, कच्चा बाद में ढूंढ लेना। श्रीमान कमिश्नर। I'm sorry, दादी माँ, आज के बाद मैं कभी लेट नहीं आऊंगा, बस एक और बार मुझे माफ कर दो। भैया और भाभी जाग रहे? अरे अरे भैया और भाभी तो सो गए, टीवी तक ऑफ नहीं किया, कमाल है भाई। देखिए भाभी मैं आपके लिए एक नई परफ्यूम लेकर आया। अबे चुप। ये देखो अमीरों के चोंचले, रात के 2 बज रहे हैं और ये लोग नाच गाना कर रहे हैं। रात भर ये लोग ऐश कर रहे हैं और हम इनका पैरा भरे। हवलदार साहब। थैंक यू।
चुप हो जा बेटी, मत रो मत रो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना यहाँ। अरे कमिश्नर साहब, नमस्कार जी, हाँ मैं आप ही से कह रहा हूँ, आइए आइए अंदर आइए। माफ कीजिएगा, आपको यहाँ आने का कष्ट उठाना पड़ा। क्या लेंगे आप, चाय या ठंडा? ठंडा, ठंडा नहीं सर। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, अरे भाई देखो, चोर अगर चाय या शक्कर छोड़ गया हो तो कमिश्नर साहब के लिए चाय तो बनाओ जरा। आप खड़े क्यों हैं, बैठिए बैठिए भी। अच्छा एक बात बताइए, मैं कौन हूँ? कैसी बातें करते हैं आप, स्टेट के चोर, आई मीन होम मिनिस्टर है सर। अरे ये जानते हैं, ये मुझे जानते हैं कि मैं होम मिनिस्टर हूँ। अच्छा आप जानते हैं कि चोरी किसके घर हुई है? आपकी बेटी के घर सर। अरे आप ये भी जानते हैं कि चोरी मेरी बेटी के घर हुई है? जी सर। वेरी गुड वेरी गुड। और ये जानते हुए भी आप इतनी देर से आ रहे हैं? ये सर, आई मीन नो सर, गो सर। शट अप। पुलिस कमिश्नर का मतलब जानते हो? उसका काम वर्दी पहनना, कुर्सी पर बैठे रहना या पगार लेना नहीं है। अरे जनता सवाल तो हमसे करती है, क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें जब लोग कहेंगे कि होम मिनिस्टर की बेटी के घर चोरी हो सकती है, तो उनके घर कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? जानते हो 4.5 साल की मेरी कमाई चली गई, वो कमाई जो मिनिस्टर बनने के बाद कितनी मेहनत से मैंने जमा की थी, वो सबकी सब वापस चाहिए मुझे, सबकी सब। समझ गया सर। सर वैसे चोर कितना ही होशियार क्यों ना हो, जरूर कोई ना कोई निशानी छोड़ जाता है। मैं देखता हूँ सर, कोई क्लू मिल जाए शायद। क्लू? हाँ हाँ क्लू वो छोड़ गया है, लाओ इधर लाओ इधर लाओ। मैं तुम्हें क्लू देता हूँ, तुम मुझे चोर लाके दो। जी सर। किंग ये पी लीजिए सर। क्या है ये? इनो। मुझे इनो नहीं, अमर का खून हो चाहिए, उसका खून पीऊंगा मैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इसको टेंशन देने का। गुस्सा थूक दीजिए सर और ये पी लीजिए। अमर अब तक आया क्यों? कहीं फंस तो नहीं गया वो? ऐसा तो नहीं किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए पब्लिक प्लेस में गोलियां चला रहा हो? या ये हो सकता है सर कि किसी आतंकवादी को पकड़ने के लिए किसी के घर में आग लगा दी हो। सर मुझे तो डर लग रहा है, कहीं किसी डॉन से एनकाउंटर तो नहीं कर रहा है, और इस एनकाउंटर में गोलियां चलेगी, और अगर गोली किसी आम इनोसेंट आदमी को लग गई और वो मर गया तो सर हंगामा हो जाएगा, हंगामा। प्लीज, क्या आप लोग चुप नहीं रह सकते? देख नहीं रहे कि इनकी तबीयत खराब है? अब ऐसी हालत में इनसे इस तरह की बातें करना खतरनाक साबित हो सकता है। मेरा मतलब है, इसीलिए तो सोच रहा हूँ कि अमर आखिर है कहाँ, इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर और कौन सी मीटिंग हो सकती है। अच्छा तो जनाब यहाँ थकान उतारने आते हैं? हाँ। नहीं मेरा मतलब है तुमसे प्यार करने आता हूँ। काजल तुम्हारे दिल के जेल में उम्र भर के लिए कैद हो गया, जाकर भी यहाँ से रिहा होने का कोई चांस नहीं, और तुम्हारी जुल्फों की जंजीरों में इस तरह जकड़ गया हूँ कि अगर चाहूँ भी तो उसे तोड़ नहीं सकता। तुम पुलिस वाले तारीफ भी ऐसे करते हो जैसे कोई सजा सुना रहे हो। अच्छा उठो मैं जा रही हूँ। अरे, अरे अरे मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे मुझे कॉलेज को देर हो रही है बाबा, और आपको ड्यूटी पे नहीं जाना? लो कर लो बात, मैं ड्यूटी पर ही तो हूँ। मैं इस ड्यूटी की नहीं उस ड्यूटी की बात कर रही हूँ। अब उसमें फर्क क्या है, एक में पगार मिलता है और एक में प्यार, और दोनों ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहा हूँ, ईमानदारी से। इंस्पेक्टर अमर वर्मा रिपोर्टिंग सर। ये जिंदा है? क्या बात है सर, आप लोग सब बड़े रिलैक्स हो रहे थे हैं? रिलैक्स? गोली? गोली। थैंक यू। ओके हम सो इसलिए रहे थे कि हम सब बेकार है ना, हमको कोई काम नहीं है, बस सिर्फ एक छोटा सा काम कर रहे थे हम लोग, आपका इंतजार। आप खड़े क्यों हैं? तस्वीर रखिए ना, बैठिए ना। दोस्तों आपके चहेते बहादुर इंस्पेक्टर आखिर आ ही गए। वैसे आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, पिछले 3 घंटे से आप कहां थे? सर मैं एक मुखबिर से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेने गया था। क्या इंफॉर्मेशन मिली? सर मुझे ड्रग डीलर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है।
ड्रग डीलर्स के बारे में। यस सर। आपने आज का अखबार पढ़ा? नहीं सर। नहीं, द सुपर कॉप ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट वन मैन आर्मी, बेचारे के पास अखबार पढ़ने का वक्त नहीं है, इन्हें अखबार दो आज का। सर कोई खास बात है इसमें? खास बात नहीं, नहीं कोई खास बात नहीं, बस इतनी सी कि होम मिनिस्टर साहब की बेटी के घर में चोरी हो गई और चोर सारी खास खास चीजें उठाकर ले गया। अब होम मिनिस्टर साहब ने खास वार्निंग दी है कि अगर हमने जल्दी चोर को नहीं पकड़ा तो हमारे साथ एक खास कार्रवाई करेंगे, बस ये खास बात है। सर मैं अभी जाकर इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, शायद कोई सबूत लग जाए हमारे हाथ। एक मिनट बैठो, हमें पता चल चुका है कि चोर कौन है, बस तुम्हारा काम उस चोर को गिरफ्तार करना है, अंडरस्टैंड? गोली, आप मुझे सबूत और उसकी गिरफ्तारी का वारंट दे दीजिए, मैं यूं उसे गिरफ्तार करके ले आऊंगा। यूं? बजीनी, ये रहा सबूत। सर ये तो दस्ताने हैं। तो मैंने कब कहा कि टोपी है? देखो क्या लिखा है इसमें, किंग। हाँ किंग, पुलिस से ज्यादा होशियार, चालाक और कामयाब, पिछले 5 साल से जहां दिल चाहता है जैसे दिल चाहता है चोरी करता है, लेकिन पकड़ा नहीं जाता। अब ये होम मिनिस्टर के घर पहुंच गया है, पिछले 5 साल से मैं इसकी फाइल मेंटेन कर रहा हूं, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास, ये देखो 91 की फाइल, 92 की फाइल, 93, 94, 95, 97। सर इन फाइलों में तो कुछ भी नहीं है सिवाय कोरे कागज के। कुछ नहीं है? कोरे कागज है सर, आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है सर, यहाँ मारपीट करने में, जीपे तोड़ने में, वर्दी का रुआ भरने में, लेकिन किंग को पकड़ने के लिए सब काम नहीं आएगा, दिमाग काम आएगा, मुझे किंग चाहिए किसी भी हालत में, वरना मैं लाइटर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, असली रिवॉल्वर का इस्तेमाल करूंगा। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear mothers, happy birthday to you. Great. ये आपके लिए। बस बस राजा, ज्यादा मिठाई इनकी सेहत के लिए खराब है। अरे खाने दो डॉक्टर, जिस चीज में बेटे का प्यार मिला हो वो चीज माँ को नुकसान कभी नहीं पहुँचा सकती, है ना माँ? कितनी खुश नसीब हूँ मैं जो तुम जैसा बेटा मिला, दुख तो इस बात का है कि तुमने मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया। असली रिश्ता तो मानने से होता है, तुमने मुझे बेटा माना ना बस, और फिर अगर मैं तुम्हारी कोख से जन्म लेता तो मैं सिर्फ तुम्हारा बेटा होता, आज तो मैं 10-10 माओ का बेटा हूँ, मुझसे ज्यादा खुशनसीब इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। राजा। यस डॉक्टर। तुम इन लोगों के पीछे इतना पैसा क्यों खर्च करते हो? क्योंकि मैं इन्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये जानते हुए भी कि ये लोग ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे, और फिर भी तुम? हाँ डॉक्टर, क्योंकि इंसानियत ने इन्हें छोड़ दिया है और भगवान इन्हें भूल चुका है। जानते हो डॉक्टर, रावण के 10 सर उसकी रक्षा नहीं कर पाए, मेरे सर पे तो 10 माओ का आशीर्वाद है जो मेरी रक्षा करता है। खान साहब, ओ खान साहब, क्या है? अरे मुझे ड्रग्स चाहिए, ड्रग्स। अबे तुझे क्या, मैं ड्रग बेचने वाला लगता हूँ? चल फुट। प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, जू गली में जाकर के मिश्रा पान वाले से लंबे खान का पता पूछ, आजकल उधर वही माल बेच रहा है। मुझे मिल जाएगी खान साहब? अबे हाँ। अबे ये छोटा खान बोल रहा है, अल्लाह कसम सारे शहर में कौन क्या धंधा करता है सब अपन को मालूम है क्या? अबे छोटा खान की नजर से कोई मुजरिम कोई धंधा नहीं छुपा है, चल बट। तब तो तुम किंग के बारे में भी जानते होगे। तुम? ये किंग कौन है छोटे खान, कहाँ रहता है वो? अरे अल्लाह कसम तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, कोई तुम्हें अगर मेरे साथ देख लेगा तो मुझे पुलिस का मुखबिर समझेगा, मैं फेमस तारा जाऊंगा। अच्छा बताओ किंग कहाँ रहता है? मैं किंग के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम्हारी नजर से ना शहर में कोई मुजरिम बचा है ना कोई धंधा, फिर ये किंग कैसे बच गया मेरी जान? अल्लाह कसम मैं नहीं जानता। चिल्लाओ मत लंबे खान, छोटे खान, अगली बार जब मिलोगे ना किंग का पता लगा कर मिला, समझे? मैं चलता हूँ। कल ड्रग्स की वजह से 4 आदमी मारे गए थे,
वो ड्रग्स किसने बेची? अल्लाह कसम मुझे नहीं ना ना नहीं, मुझे उसका नाम चाहिए। नाम ही उसका नाना है मेरे बाप। कहाँ मिलेगा इस वक्त? बताता हूँ। Well done, my boy. Well done. Thank you, Dad. No, Dad. Dad and son, घर में. ACP और इंस्पेक्टर दफ्तर में. Yes, sir. Good. अरे हाँ, जो ऑफिसर्स हमारे डिपार्टमेंट में एक्सीलेंट सर्विस के लिए गोल्ड मेडल डिजर्व करते हैं, मैंने उन लोगों की लिस्ट बनाई है. और लिस्ट में सबसे पहला नाम तुम्हारा है, सबसे ऊपर है. थैंक यू सर. बस यूं समझो तुम्हारा गोल्ड मेडल पक्का. क्यों बिहारी लाल? क्या बात कहिए सर, मैं आपको सैल्यूट मारता हूँ. और मैं आपको सैल्यूट मारता हूँ सर. हाँ जी, मैं आपको सैल्यूट मारता हूँ. सर आप डंडों का सहारा लेकर क्यों आए? मैं अपना कंधा दे सकता हूँ. घबराइए नहीं वर्मा जी, वो दिन दूर नहीं जब आप मुझे कंधा देंगे. सर आप? सर, सर गए मर. तुम बहुत जल्दी मेरी वर्दी उतरवा दोगे, मुझे चपरासी बना दोगे. यस सर. सर आप कैसी बात कर रहे हैं आप? सर सही कह रहा हूँ, जो बात मैं इतने दिनों से कह रहा हूँ वो तो तुम्हारी समझ में आ नहीं रही. नाना को पकड़ा, कोई तीर नहीं मार लिया. लेकिन सर वो बहुत बड़ा ड्रग स्मगलर है, उसके पास 9 किलो 25 ग्राम ड्रग पकड़ा गया. कोई फायदा नहीं, जिसे पकड़ना चाहिए वो तो पकड़ते नहीं हो. मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ. सर ये 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 लो, देखो 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 इसे. किंग? यस, कल उसने फिर चोरी की 10 करोड़ रुपए की. जानते हो मिनिस्टर साहब ने मुझे बुलाकर ऐसी ऐसी गालियां दी जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी. मैंने उनके आगे हाथ जोड़े कि साहब ये खबर अखबार में मत देना वरना जनता पुलिस पर थूकेगी, हंगामा मच जाएगा. ऐसी जिल्लत की जिंदगी मैं नहीं जी सकता. डॉक्टर जहर है तुम्हारे पास? जी नहीं. थैंक यू वेरी मच. लेकिन मैंने भी डिसाइड कर लिया, कल के पेपर में ऐड दूंगा कि किंग को पकड़ने वाले को 1,00,000 रुपया इनाम फिक्स. ये लीजिए. ये क्या है? विक्स. विक्स? ओ एक्सेलेंट आइडिया सर, वेरी गुड. और ये 1,00,000 रुपया तुम्हारे फंड से लिया जाएगा. बैड आइडिया सर, वेरी बैड. शट अप. अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा 1,00,000 रुपया बच जाए और इससे पहले कि उसे और कोई पकड़ कर लाए, फॉरन किंग को मेरे पास ले आओ, वरना तुम्हारा ट्रांसफर टंडारी कला कर दूंगा. और एक बार तुम टंडारी कला पहुंच गए तो तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा. अंडरस्टैंड? ओ ये काहे की लिस्ट है? ये सब लोग रिजाइन कर रहे हैं क्या? नहीं सर, ये मेरिटेबल सर्विस के लिए ये साल के गोल्ड मेडलिस्ट है, ये उनके नाम. आहा, और लिस्ट पर नंबर 1 अमर वर्मा, तुम्हारा खुद का बेटा. माय फुट. ये बाकी की लिस्ट टाइप करके मेरे पास अप्रूवल के लिए ले आओ. बाय. तेरा गोल्ड मेडल तो गया, अब ये पागल तुम्हें टंडारी कला भेज के रहेगा. बाय द वे डैडी, टंडारी कला कौन सी जगह है? ये वो कब्रिस्तान है जिसे भगवान भी बनाकर भूल गया है. और पुलिस वालों के लिए तो ये 1-way entry है, जो गया सो गया. कहिए. नमस्ते. नमस्ते. अब आप पूछेंगे कहिए क्या काम है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं यहाँ कोई शैम्पू या साबुन बेचने नहीं आई हूँ, ना मैं कोई अनाथ आश्रम से चंदा मांगने आई हूँ, और ना ही किसी का एड्रेस पूछने आई हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं बिल्कुल सही जगह पर आई हूँ. अब आप पूछेंगे कि तुम कौन हो, तो मैं आपको बता दूं कि मैं काजल की सहेली हूँ. अब आप पूछेंगे काजल कौन, तो काजल मेरी सहेली है जो आपके बेटे अमर से बहुत प्यार करती है. मैं अंदर आ सकती हूँ? दरअसल अमर भी उसे बहुत प्यार करता है और दोनों शादी करना चाहते हैं. वो क्या है कि अमर आपसे बात करने में जरा शर्मा रहा था, तो मैंने कहा अरे भाई इसमें शर्माने की क्या बात है, और तुम दोनों को इतनी शर्मा रही है तो मैं बात कर लेती हूँ. क्यों, ठीक है ना? मैंने हाँ, तो मैं रिश्ता पक्का समझू? अरे अरे जरा सांस तो लो,
तुमने तो आते ही बोलना शुरू कर दिया। जरा मैं भी तो लड़की देखूं, उससे मिलूं। इसमें देखने की क्या जरूरत है, मुझे देख लिया मतलब काजल को देख लिया, बिल्कुल मेरे ही जैसी तो लगती है वो। अगर वो तेरी तरह चंचल और खूबसूरत है तो मुझे कोई एतराज नहीं। सच? तो मैं आपके पैर छू सकती हूँ काजल की तरफ से? जीती रहो काजल बेटी। आपने कैसे जाना कि मैं काजल हूँ? तू जिससे प्यार करती है ना, मैं उसकी माँ हूँ। माँ ने हाँ बोल दी? हाँ। अरे कमाल है, कमाल है। वैसे माँ को बताया कैसे? वो अपना स्टाइल है। कौन सा स्टाइल? वो है, अब तुम भी कमाल करके दिखाओ तो जानू। कैसा कमाल? मेरे पापा को पटाने का कमाल। अरे मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छी तरह सोच लो। सोच लिया। वो बूढ़ा मुझे देखते ही सॉरी मेरे पैरों पे पड़ जाएगा और कहेगा, बेटा मेरे घर की इज्जत बचा लो, मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। बस ऐसा ना हो कि उनको देखते ही आपकी हवा निकल जाए। अरे हवा तो उसकी निकलेगी, कोई छोटा मोटा इंस्पेक्टर नहीं हूँ, बहुत बड़ा इंस्पेक्टर हूँ, अमर वर्मा। ठीक है चलो। चलो चलो कहाँ? अरे चलो ना यार, लेकिन तुम्हारे जीप में नहीं, मेरी बाइक पे जाना होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीप को कोई मेरे बंगले में घुसने नहीं देगा। ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी टाइट सिक्योरिटी है? ये वहाँ जाके पता लग जाएगा। चेहरा घुमाओ, पट्टी बांधनी है। अब पट्टी क्यों बांधनी है? क्योंकि अगर पट्टी नहीं रही तो तुम मेरा बंगला देखते ही भाग जाओगी। अब ऐसी क्या बात है तुम्हारे बंगले में? वैसे कभी तुमने बताया नहीं तुम्हारे पिताजी करते क्या है। डॉन है, स्मगलर है, भाई है। वाह, तीर क्या निशाने पर मारा है कमबख्त ने, मेरी बेटी को घायल कर दिया, अपने इश्क में गिरफ्तार कर दिया। लेकिन गुजाल सिंह बाप के जज्बात को काबू में रख, इंसाफ की देवी की तरह आंखों पर पट्टी बांध कर उनकी मोहब्बत को तोल, उनकी जिंदगी का फैसला कर। पापा। बेटी आ गई तो कहा है वो? तुम जाओ, हम इससे अकेले में कुछ बातें करना चाहते हैं। तक लिया। ओके, मैं चाय बना के लाती हूँ। डरना नहीं है। तो बरकरार, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम काजल से कितना प्यार करते हो? जितना मजनू ने लैला के साथ किया था, रांझा ने हीर के साथ, रोमियो ने जूलियट के साथ, फरहाद ने शीरी के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम ये भी जानते होगी कि इन लोगों की आपस में कभी शादी नहीं हुई थी। तो क्या हुआ सर, लेकिन हमारी शादी होगी। होगी सर, पर हमें कोई नहीं जुदा कर सकता। वाह वाह, तुम मेरी बेटी को कब से जानते हो मेरे बच्चे? पिछले कई जन्मों से। वेरी गुड, वेरी गुड। कितनी बार कहा कि फर्नीचर रास्ते मत रखा करो। फर्नीचर? पिछले कई जन्मों से। तो मैं क्या पूछ सकता हूँ कि पिछले जन्म में तुम क्या थे? किसी को याद थोड़ी रहता कि वो पिछले जन्म में क्या करता था। तो तुमने ये कैसे कह दिया कि तुम मेरी बेटी को जन्मों से प्यार करते हो? हिट डायलॉग है, हर आशिक यही मारता है। तुम करते क्या हो? प्यार। किससे? अपनी नौकरी से और आपकी छोकरी से। नौकरी क्या करते हो? आई एम एन इंस्पेक्टर इन म्युनिसिपैलिटी। पुलिस में। पुलिस में? आप घबरा क्यों गए? काजल ने जब मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी, मैं उसी वक्त समझ गया था आप ठीक आदमी नहीं है, जरूर कोई चोर उचक्के डाकू या स्मगलर है। खैर, आप मेरे होने वाले ससुर जी हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। मैं अपने फर्ज में रिश्तेदारी को नहीं लाना चाहता, वरना मैं खुद अपने हाथों से आपके हाथों में हथकड़ी डालकर आपको जेल में बंद कर देता। मेरे बेटे, शायद तुम जानते नहीं कि मैं पुलिस कमिश्नर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। खुशहाल सिंह? खुशहाल सिंह नहीं, खुशहाल सिंह। हाँ वही खुशहाल सिंह। आज सुबह सुबह किसका नाम ले लिया, क्या बिगाड़ेगा मेरा वो, क्या बिगाड़ेगा वो? खुद तो दवाई और गोलियों पे चलता रहता है, मुझ पर खाक हुकुम चलाएगा? गोलियां? वो सर कमिश्नर नहीं, एक चलता फिरता बीमारियों का अड्डा है। बस एक बात बताऊं, बड़ा ही डरपोक किस्म का आदमी है वो। तो कमिश्नर क्या, मैं उसको तो मैं हवलदार भी ना बनाऊं उसको मैं। तो तुम उससे डरते नहीं हो? मैं हर उससे डरूं? सर वो तो मेरे सामने उसकी वो तुम्हारे सामने डरता है मुझसे। अच्छा, वो तुम्हारे सामने डरता है?
आप जब गुस्सा करते तो आपकी आवाज काफी उससे मिलती जुलती है। बेटा अगर आंख से पट्टी नीचे करोगे तो शक्ल भी मिलती जुलती नजर आएगी। आपकी शक्ल भी उससे बिल्कुल। आप काजल के डैडी सर, इस बार तो मैं जा रहा हूँ, अगली बार आपकी बेटी को उठा के ले जाऊंगा। मैं जाऊँ सर, मैं जाऊँ। नमस्ते। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुमने। अबे जल्दी जल्दी आ चला, मुझे देर हो रही है। अरे हाथ ही तो चला रहा हूँ खान साहब। खान साहब वैसे एक बात बताइए मुझे आप। क्या? ये आपके उंगली में क्या हुआ? अबे चुप है साले, ठीक से दाढ़ी बना। ये उंगली के बारे में बात करके उंगली मत कर। नाराज मत होइए खान भाई। अबे चल चल जल्दी कर, जल्दी दाढ़ी बना। अबे क्या करा? क्या हाल है छोटे खान? तुम यहाँ भी आ गए? अब क्या चाहते हो मेरे बाप? किंग कहाँ है? नहीं मालूम, अल्लाह का सब मुझे नहीं मालूम। मैं तीन दिन से उसके पीछे घूम रहा हूँ पर मुझे नहीं मालूम। ऐसा तो हो नहीं सकता कि छोटे खान के पास कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। इन्फॉर्मेशन तो मैं कॉल ही लूंगा। टूट गई। एक इन्फॉर्मेशन है। बोलो। AICC वाले तुम्हें मारने के चक्कर में है। ऑल इंडिया क्रिमिनल कमेटी वाले, बच के रहना। छोड़ दे इसे। तुमने बहुत सही वक्त पर आकर मेरी जान बचाई। थैंक्स। मैं हर जगह सही वक्त पर ही पहुंचता हूं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी जान बचाने वाला दोस्त। आई लाइक इट। तुमने मेरी जान बचाई, कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। काजल। अमर तुम ऊपर आओ, छत पर आओ। अरे डैडी घर पे है। मैं तुम्हारे प्यार में पाइप से चढ़कर आ सकता हूँ और तुम मेरे लिए छत पर नहीं आ सकती। डैडी डैडी क्या कर लेंगे? अच्छा बाबा आती हूँ। छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर। आरा रारा आ ओ रे, आरा रारा आ ओ रे, आरा रारा आ ओ रे, आरा रारा आ ओ रे। प्रेम के कच्चे धागे से मुझे खींच ले अपनी ओर ओर ओर। आरा रारा आ ओ रे, आरा रारा आ ओ रे, आरा रारा आ ओ रे, आरा रारा आ ओ रे। हम दो प्रेमी छत के गली गली
शोर 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 मिस्टर खुशहाल सिंह स्पीकिंग। बहुत जल्दी तुम्हारा नाम दुखाल सिंह हो जाएगा। बकवास बंद करो, मेरे बाप का नाम था। कौन बोल रहा है? राजा। कहाँ का? पब्लिक का। पुलिस मुझे किंग के नाम से जानती है। किंग? किंग? वो दस्ताने वाला किंग? हाँ, वही दस्ताने वाला किंग। कहाँ से बोल रहे हो? पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन के अंदर हो या बाहर? अबे बेवकूफ, कोई चोर बताता है वो कहाँ से बोल रहा है? मेरा मतलब कहीं से भी बोल सकते हो। उल्लू का पट्टा। कौन? कमिश्नर, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। किंग को पकड़ने वाले को सिर्फ 1 लाख का इनाम, सिर्फ 1 लाख का। तुमने मेरी बेइज्जती की। अरे बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है मिस्टर किंग। और इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। इस सैटरडे को मैं तुम्हारे इलाके में चोरी करने वाला हूँ। और अगर तुम्हारी पुलिस फोर्स के अंदर दम है तो मुझे पकड़ के देखा। हेलो, हेलो। अच्छा हुआ इसने मुझे चैलेंज फोन पर दिया, सामने होता तो गोली मार देता। आजा आजा बेटा आजा, इस सैटरडे को चोरी तेरी आखिरी चोरी होगी। या दिस इज इंस्पेक्टर अमर वर्मा हियर। देखो अमर, सेक्टर 7 को ज्यादा संभालना। ओके। हर आने जाने वाले पर कड़ी निगरानी रखना, उनकी तलाशी लेना और उनका पता नोट कर लेना। ओके सर। देखो किंग किसी भी हालत में हमारे हाथ से बचकर नहीं जाना चाहिए। नहीं बचेगा सर। ठीक है, मैं बाद में फोन करूंगा। याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं वादे का बहुत पक्का हूं, जो कहता हूं वो कर दिखा। अमर किंग यहीं पर है। नहीं, झूठे हो तुम। तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे मोहल्ले में चोरी करोगे, मेरे घर पर नहीं। तो क्या तेरा घर तेरे मोहल्ले में नहीं है? मेरा घर मेरा मोहल्ला, मोहल्ला घर मोहल्ला मेरा। ज्यादा बकवास नहीं भैया। बेटी खाना तैयार है। बैठो, कम ऑन।
अपनी बेटी को खाना पकाना भी नहीं सिखाया, इसमें बिल्कुल नमक नहीं है, खत्म हो गया था। ये खाना क्या किसी हॉस्पिटल से मंगाया? दाल में नमक नहीं, खीर में शक्कर नहीं। अरे सिखा इसे, वरना जिंदगी भर ऐसा ही पकाएगी। ठीक है, भूखे पेट ही काम करता है। चल बता माल का है। नहीं बताऊंगा। कोई बात नहीं, तुम्हें शायद पता नहीं लेकिन किंग जिस घर के अंदर कदम रखता है उस घर की तिजोरियां और अलमारियां खुद ब खुद उसके पास चल कर आती हैं। ₹247 चल, 247 रुपए 40 पैसे, बस इतना ही कमाया तूने? अबे शर्म कर, शर्म। अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी बेटी के लिए तो कमाता, कुछ कमा कर देगा इसे? हाँ, गांव में जमीन खरीदी है, रिश्वत के पैसे अच्छे इन्वेस्ट किए। बहन तेरा नसीब बहुत खराब है, जमीन भी गिरवी है, तेरी किस्मत में पैसे नहीं है क्योंकि तूने इसके घर में जन्म लिया है। बेटी तू कमाता क्यों नहीं अबे? और अगर कमाता है तो रखता कहाँ है? तू ऐसे नहीं बताएगा। हमारे साथ जो कुछ भी किया इसके बारे में किसी को बताना नहीं। फिक्र मत कीजिए डैडी, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। डैडी सर, कमिश्नर साहब आए। अरे खुशहाल सिंह जी आप, वेलकम वेलकम। नमस्ते सर, आपने मुझे याद किया सर। जी हाँ, आप वहां क्यों खड़े? आइए 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 आइए, बैठिए जी, बैठिए। फिलहाल तो ऊपर बैठिए। अखबार आता है आपके यहाँ? जी सर।
तब तो अंग्रेजी का आता होगा। हाँ? मैं समझा नहीं सर। समझ जाओगे, रख दो। आज का अखबार पढ़ा तुमने? नहीं सर। कोई बात नहीं। सर रात भर पुलिस फोर्स को लेकर किंग की तलाश करता रहा। हाँ। और जैसी सुबह आपका मैसेज मिला मैं चला आया सर। अच्छा 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 अच्छा, मैं पढ़वाता हूँ आपको। पढ़िए। थैंक यू सर। तस्वीर पसंद आई? किसी महारानी की तस्वीर है सर। महाराजा? अरे स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट। कमिश्नर, अब हमें पता चल गया है कि तुम किंग के पार्टनर हो। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, क्योंकि तुम्हारी बेटी ने जो गहने पहने हैं ना, ये वही गहने हैं जो मेरी बेटी के घर से चोरी हुए थे। वक्त आ गया है कि मैं अब आपको असलियत बता ही दूं। कल रात सर किंग मेरे घर में घुसा है। अच्छा, बात तो पूरी हो जाने दीजिए। उसने गन फाइट पर मुझे और मेरी बेटी को ये जेवर पहनाकर हमारी फोटो खींच ली सर। तुमने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई? सर पुलिस तो मैं ही। नहीं। क्यों? क्योंकि सर, क्योंकि तुम किंग के पार्टनर हो। नहीं सर, क्योंकि मुझे आपका ख्याल दिमाग में आ गया था कि जनता को पता लगेगा तो वो क्या करेगी। सवाल तो सब आपसे पूछेंगे ना। लेकिन सर आई प्रॉमिस यू, उसको हथकड़ी पहनाकर मैं आपके सामने खड़ा कर दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। हाथ पीछे। दो बोतल पड़। वादा तो ऐसे कर रहे हो जैसे कोई नेता हो। वो तो आप देखो कमिश्नर। नहीं सर, अब मैं किंग को पकड़कर ही चैन की सांस लूंगा। आप मुझे मत रोकिए सर। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती सर। कितना वजन कम हुआ है? 20 किलो। 20? एक मिनट, अब देखो कितना कम हुआ। अभी उतना ही है सर, 20 किलो। 20 किलो अगेन, मतलब 72 से 52 किलो, और 52 किलो में 10 किलो की वर्दी। अगर मैं ऐसी वजन घटाता रहा तो एक दिन मैं सिर्फ 2 किलो का रह जाऊंगा। डेफिनेटली। ओ माय गॉड, ऐसा मत कीजिए प्लीज। तो फिर ले चलो मुझे, कोई सफाई कोई बहाना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ किंग चाहिए, किंग। ये मेरी और डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है, अंडरस्टैंड? अब आप जा सकते हैं। अमर तुम रुको, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। डॉक्टर आप भी जाइए, मेरी दवाइयां। ठीक है सर। यू कैन गो। यस सर। गो। टेंशन मत लीजिए सर। ओके देन गो। देखो अमर बेटा, मुझे इन ऑफिसर से कोई उम्मीद नहीं है, सब के सब निकम्मे हैं, उसमें तुम्हारा बाप भी है। बुरा मत मानो मगर मैं क्या करूं, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है, तुम्हारे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, उसे हर हालत में पकड़ोगे, क्योंकि अगर उसने सिर्फ चोरी की होती तो बात अलग थी, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि उसने, उसे काजल को भी नहीं छोड़ा। काजल को? क्या किया उसने काजल के साथ? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, उसने काजल के साथ क्या किया सर? मैं कमिश्नर होकर भी कुछ नहीं कर पाया, मेरे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात। सर आप ये क्या कर रहे हैं? सर बताइए प्लीज सर, उसने किया क्या है? मैं किसी को कुछ भी नहीं बता सकता, लोग कहेंगे कि कमिश्नर खुद अपनी बेटी को नहीं बचा पाया तो बाकियों को क्या बचा पाएगा। सर आप बताइए तो सही, किया क्या उसने सर? सर आप सांसें जोर से मत लीजिए, बताइए ना सर। उसने मेरी आंखों के सामने काजल को थप्पड़ मारा। गॉड। काजल को थप्पड़ मारा? सर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, 4 दिन के अंदर अंदर उसे गिरफ्तार करके लाता हूं। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ये लो। सर ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे रिश्वत दे रहे हैं? सर ये तो मेरी ड्यूटी है। ये रिश्वत नहीं है बेटा, ये ट्रांसफर ऑर्डर है। ट्रांसफर ऑर्डर? रख लो रख लो, क्योंकि अगर तुम 4 दिनों में किंग को नहीं पकड़ पाए तो वापस मत आना, सीधे टंडारी कलां जाकर ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। मैं काजल को तुम्हारी तस्वीर दे दूंगा, वो कमरे में लगा देगी हार के साथ। ये तो चिल्ड लाया कर, अगली वाली ठंडी लाना। चल डाल डाल, इसे तो डाल, जल्दी कर। खुश मत हो छोटे खान, अभी तेरा दूसरा हाथ और उसकी 5 उंगलियां बाकी है। अरे मैं तो सिर्फ उंगलियां तोड़ा करता था,
ये पूरा का पूरा हाथ किसने तोड़ा? AICC वालों ने। नहीं समझे? अरे भाई ऑल इंडिया क्रिमिनल कमेटी वाले वो मुझे उठा करके ले गए। उन्हें पता चल गया था कि मैं तुम्हें खबरें देता हूँ, बस मेरा हाथ तोड़ दिया। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। अरे भाई मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी वजह से मेरी जान बच जाएगी। वो तो मुझे जान से मार डालना चाहते थे, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि तुम किंग को पकड़ना चाहते हो, बस फॉरन किंग का फोटो और पता मुझे दिया और मुझे छोड़ दिया। फोटो? किंग का फोटो? फोटो कहाँ है? अरे इतने उतावले क्यों होते हो? वो लोग तुमसे बहुत परेशान हैं। वो चाहते हैं कि तुम किंग की तलाश में शहर छोड़कर चले जाओ और वो बेचारे चैन की सांस ले सके। मैं पूछता हूँ फोटो कहाँ है? जेब में से निकाल लो। ये इस वक्त कहाँ मिलेगा? आजकल वो बॉम्बे में नहीं है, राजस्थान में जैसलमेर के पास एक जगह है लिटिल हेवन, वहां पर है। छोटे खान एक बात याद रखना, अगर ये खबर गलत निकली तो तेरे पैर की उंगलियां भी तोड़ दूंगा। वैसे तो तुम वहां से वापस आ नहीं पाओगे, और अगर आ भी गए तो मुझे यहाँ नहीं पाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट। हे भगवान अब क्या होगा? इतने बड़े चोर को पकड़ने अकेला जा रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ए जी बैठे बैठे तमाशा देख रहे हो, कुछ कर नहीं सकते क्या? आंखें तो खोलो। क्या करूं? इतने बड़े ऑफिसर हो, अपने बेटे का जाना नहीं रोक सकते? ओहो मैं भी तो नहीं चाहता कि अमर जाए, लेकिन ये ऑर्डर उस कमीने खुशाल सिंह ने दिया है। आपने मेरे डैडी को गाली दी? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे डैडी को गाली नहीं दी, मैंने तो कमिश्नर को गाली दी। कमिश्नर? हाँ। अच्छा मैं चलता हूँ। एक मिनट है बेटा, मैं अभी आई। अमर तुम नहीं जाओगे, मैं अभी डैडी से बात करती हूँ और तुम्हारा जाना कैंसिल करवा देती हूँ। नहीं काजल तुम ऐसा नहीं करोगी। मगर क्यों? अगर तुम्हारे डैडी मुझे मना भी करेंगे ना तभी मैं किंग को पकड़ने जाऊंगा, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने तुम्हें भी। मुझे क्या? अब तुम्हें क्या बताऊं काजल, एक बार अनजाने में मैं उसे मिल चुका हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो किंग है। अगर लोग हमें देख लेते तो यही सोचते कि मैं उससे मिला हुआ। उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा किंग को। ये ले बेटा इसे पहन ले, ये तेरी रक्षा करेंगे। माँ मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद ही काफी है। अच्छा डैड मैं चलता हूँ। जीते रहो बेटा, किंग को पकड़ कर लिया और मेरा नाम रोशन करो। यस सर। रवि, कविता, बबलू, विजय। राजा भैया एक बात बताइए, आप हमें बिना देखे कैसे पहचान लेते हैं? तुम सब की खुशबू मेरे दिल में बसी हुई है, इसलिए छूते ही समझ जाता हूँ कि ये मेरे चमन का कौन सा फूल है। राजा भैया मुझे पकड़ो। ये अरे ये मेरा बच्चा इतना बड़ा कैसे हो गया? याद है एक दिन मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, उस दिन तुमने मुझसे वादा किया था कि जब भी मुझे जरूरत पड़े तुम मेरी मदद करोगे, याद है ना? मैंने तुमसे झूठ बोला था। रुक गया तो और मारेगा। अरे, 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 अरे।
मेरे बच्चों के सामने मत मार यार। पिलाता तुझे पानी, पानी बहुत सताया तूने, पानी मेरी काजल को हाथ लगाया था। हाँ ये ले पी पानी, पानी पिएगा। कमिश्नर की फोटो छपवाई अखबारों में, क्या सोचकर हम सब यहाँ बेवकूफ है? हाँ मैं कसम खाता हूँ यार, मैं कभी किसी पुलिस वाले के घर चोरी नहीं करूंगा। अगर तुमने मुझे अंदर कर दिया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, उन्हें कौन संभालेगा? इंसानियत सिर्फ तुम में नहीं है, मेरे अंदर भी है। बच्चों का क्या होगा, माँ का क्या होगा, संभाल लेंगे उन्हें। मुझे पकड़कर तुम्हें क्या मिलेगा यार? एक मेडल, मैंने पहले कमिश्नर के यहाँ चोरी की थी, वहां साले मेडल ही मेडल मिले थे। मैं तुम्हें सब दे दूंगा, मुझे छोड़ दे यार। अगर कल तक मैंने तुझे कमिश्नर के हवाले नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। ये देख, ये ट्रांसफर ऑर्डर, टंडारी कला, नाम सुना कभी? वहां जितने भी पुलिस ऑफिसर गए सब मर गए, कब्रिस्तान है पुलिस वालों का। लगता है पहुंच गया कब्रिस्तान। अबे खोल, मैं लड़ूंगा। तू लड़ेगा? अच्छा शायद नहीं लड़ूंगा, मगर कम से कम अपनी जान तो बचा लूंगा। खोल साले। अबे चुप हो जा, इनकी गोली से नहीं तो मेरी गोली से मर जाएगा। चुप हो जा, देख ले वो लोग आपस में लड़ रहे नहीं, यहां मेरे पास आके मर। अरे तू वहां मर गया तो मैं यहां खड़े खड़े मर जाऊंगा। चाबी फेंक, फेंक दे चाबी। आजा आजा आजा। नहीं, शिट, शिट, शिट। ओह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़, आ पासा पासा। आजा मैं तेरा इलाज करूंगा, आजा मेरे पास आजा। ये थोड़ा और हाथे आजा। ये ये इधर आ। तंडारी कला छुपने के लिए अच्छी जगह है। Ha ha ha.
पानी। तुमने मुझे पानी दिया, ले तू मुझे अंदर करेगा ना, ले ले कर अंदर। मेरी काजल को हाथ क्यों लगाया? देख साले मैं तुझे भी हाथ लगाता हूँ, ये देख ये। होम मिनिस्टर के यहाँ चोरी क्यों की? कमिश्नर का फोटो क्यों छपाया? देख साले मैं तेरा फोटो कैसे छपाता हूँ। देखो देखो तुमने मुझसे वादा किया तुम मुझे बचाओगे। हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला था। अबे साले तूने मुझे मेरे बच्चों के सामने मारा, मेरी माँ से जुदा करवाना चाहता था तू मुझे। ओ भाई साहब। जी बाबू जी। ये एक बहुत खतरनाक आतंकवादी है, चार थे, तीन मर गए और एक ये जख्मी पड़ा है। अगर बच गया तो हॉस्पिटल ले जाना, ये लो पैसे, अगर मर गया इसका अंतिम संस्कार कर देना। सुनिए यहाँ से टंडारी कला कितनी दूर है? बाबूजी आप यहाँ से सीधे चले जाइए। छोटू पुलिस स्टेशन किधर है? अंदर कर यार। किधर? वो उधर है। भगवान इतना निर्दयी नहीं है जो बूढ़ों को जिंदा रखे और जवानों को छीन ले। क्या बात है? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। ये जुल्म क्या कम हुआ है जो पुलिस आई है और जुल्म ढाने के लिए। साहब एक मेहरबानी और कर दो, एक गोली मुझे मार दो और एक गोली मेरी बीवी को। साहब साहब इसकी बातों का बुरा नहीं मानना, बेटा मर गया है ना, बावला हो गया है, भूल गया साहब लोगों के सामने कैसी बातें करते हैं। जाओ साहब जाओ, और कुछ काम होगा तो हमें बताओ। जाओ जाओ साहब जाओ। स्टेशन का दरवाजा बंद। लगता है ये पुलिस स्टेशन भगवान भरोसे ही चलता है।
क्यों, कैसा लग रहा हूं मैं? स्मार्ट लग रहा हूं ना? हे, कौन हो तुम? अमर। मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। हवलदार के बच्चे ने मुझे बहुत मारा, मैं घर जाना है, मुझे घर जाना है। अबे चुप। तुम भी डांटो, डांटो तुम भी। पढ़ाओ के मैं तुम्हें भी डांटूंगा, बहुत मारूंगा तुम्हें। बड़ा होकर? हाँ। तेरा नाम क्या है? गुड्डू, मुझे घर जाना है। हाँ भेज दूंगा, लेकिन पहले ये बता तूने किया क्या है? कुछ नहीं, मैं कंचे खेल रहा था, इतने में बाजू से एक मुर्गी गुजरी। मैंने सोचा वो मुर्गी को कहीं बिल्ली ना खा जाए, इसलिए मैंने मुर्गी उठा ली। अवलदार ने सोचा कि मैं मुर्गी चोर हूँ। क्या मैं मुर्गी चोर लगता हूँ? मुर्गी चोर लगता? ओके बाबा ओके। लेकिन वो मुर्गी है कहाँ? अवलदार के पास। अरे ओ जी, मैं तो भूनू रे, मैं तो मुर्गी। अटेंशन। I said attention. नए इंस्पेक्टर हो ना, इसलिए इस गांव में पुलिस को देखकर कुत्ता भी दुम नहीं लाता है। ये वर्दी उतारो, लुंगी पहनो और आराम से बैठो। क्या कह रहे हो? अब समझ में आ गया मैं किस तरह का इंस्पेक्टर हूँ। तुमने चोरी की मुर्गी क्यों खाई? नहीं सर, दरअसल मैंने मुर्गी से उसका पता पूछा तो उसे खुद पता याद ही नहीं था। मैंने कहा कोई दूसरा ना चुरा ले, इसलिए मैं ही खा लूंगा। अब मैं आ गया हूँ, ये सब नहीं चलने वाला, समझे? अच्छा ये बताओ, यहाँ बाथरूम कहाँ है? मुझे नहाना है। सर हमारे गांव में जो है ना बाथरूम बहुत बड़ा है, 8 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा। ओ क्या कर रही है तू? मेरे कपड़े वो तुझे कभी नहीं आएंगे मैया। गुले जी। सुनिए भाई साहब, चुप। एक बात बताओ, तुमने एक लाल रंग का घाघरा चोली पहने किसी लड़की को देखा है? वो मेरी पैंट लेकर भाग गई। हमारे गांव में तो ऐसी कोई लड़की नहीं है। अच्छा ठीक है, मत बताओ, हंसो और हंसो। लेकिन ये मत भूलना कि उसने एक पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी चुराई है, मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा उसे। अरे चुप रहो, क्यों मजाक उड़ाते हो? बेटा इन सब की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तू नाराज नहीं होना और हमें छोड़कर मत जाना। नहीं माँ, मैं नाराज नहीं हूँ और मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चलो जाओ, भागो, अपने अपने घर जाओ, चलो चलो जाओ। बेटा बात यह है कि बहुत दिनों के बाद ये गांव वाले हंसे हैं, वरना ये तो हंसना ही भूल गए थे। क्यों, हंसना तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। मुझे बहुत पसंद है। हाँ। हंसी का मतलब खुशी आने वाली है, सुकून और शांति आने वाली है। सुकून और शांति, बेटा ये गांव वालों के लिए तो एक सपना है, तू ये सब ला सकेगा? खुशिया? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसीलिए तो मैं आया हूँ। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। ओ माँ, ये गुलेची का क्या मतलब है? गुलेची? हाँ बेटा, दीवाने को कहते हैं। दीवाने को?
देख छोटू, उस लड़की ने पूरे गांव के सामने मेरा तमाशा बनाया। तू पता लगा कर बता कि वो कौन है और कहाँ रहती है। ठीक है, कल पता करके बताऊंगा। नहीं, कल नहीं, आज शाम तक पता लगा। अच्छा। किसी ने सच्ची कहा है, अगर इंसान के मन में सच्चा प्यार हो तो वो ईश्वर को भी पा लेता है। मैंने तुम्हें पा ही लिया। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूं, क्या उतना ही प्यार तुम मुझसे भी करती हो? शर्मा रही हो, और शर्माना भी चाहिए। अरे शर्म तो लड़की का गहना होता है। अच्छा एक काम करो, जिस तरह मैंने तुम्हारी तरफ फूल फेंका वैसे ही मेरी तरफ फूल फेंको, और मैं समझ जाऊंगा कि तुम भी मुझे चाहती हो। तुम्हारे हाथ इतने सख्त कैसे हो गए? अच्छा अच्छा समझ गया, बहुत काम करना पड़ता होगा ना, लेकिन फिक्र मत करो, शादी के बाद मैं तुम्हें फूलों की तरह रखूंगा। अब तो अपना चांद सा चेहरा दिखा दे। अरे जब शादी का इकरार कर ही लिया तो छुपाना क्या? जब से तुझे नदी के किनारे देखा था तब से तुम्हारी सूरत देखने के लिए मर रहा हूं मैं। एक बार, सिर्फ एक बार दिखा दे अपनी सूरत। तू चोरी छुपे मेरी बहन को मिलने आता है, गांव वालों को बुलाकर सबको बताऊंगा तू यहाँ छेड़ने आता है मेरी बहन को, सबको बताऊंगा चिल्ला चिल्ला कर, गांव वालों। क्या कर रहा है तू? क्या वो तेरी बहन है? हाँ मेरी बहन है। ओ सॉरी यार, मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ। गांव वालों, गांव वालों, गांव वालों। अबे साले, मैंने तुझे बच्चा समझा, तू तो बड़ों का भी बाप निकला वे। निकल जा मेरे घर से सारा बेवकूफ कहेगा। हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो ना। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं, जिंदगी भर का साथ निभाने के लिए पकड़ा है। छोड़ दो ना, आज तक हमारा हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? तो क्या कहेगा, यही ना कि मैं तुमसे और तुम मुझसे प्यार करती हो, करती हो ना? तुम्हारी खामोशी को मैं हाँ समझूं या ना? हाँ हमने ना तो नहीं कहा। गुलेची, गुलेची। गोरी प्यार करेगी, लाज की रेखा पार करेगी। हाँ बोलो गोरी प्यार करेगी, लाज की रेखा पार करेगी। बोलो गोरी प्यार करेगी, लाज की रेखा पार करेगी। तू है मेरी जान, मांगे दे दूँ मैं जान, मेरे जैसा नहीं कोई दीवाना।
सुनते हैं लोग सब खड़े। मेरा एतबार करेगी, मेरा इंतजार करेगी। इसीलिए तो कह रहा था कि मत साफ कराओ, धूल आपके फेफड़ों में जाएगी। तू बहाने मत बना, चल बैठ। सर मैं और आपके सामने सर। अबे बैठ यार। जी सर। एक बात बता। जी। यहाँ हफ्ते भर की रिश्वत कितनी आती है? तो शराब खाने और जुए के अड्डे कितने हैं? रेड लाइट एरिया किधर है? शराब। मैंने सवाल किया है, कुछ चुटकुला नहीं सुना है? मगर सर मैंने इससे बड़ा चुटकुला आज तक नहीं सुना। ये शुद्ध शाकाहारी गांव है, प्योर वेजिटेरियन। यहाँ के लोग हिंसा में विश्वास नहीं रखते, इसलिए आपने देखा नहीं कि थाने में बंदूक तक नहीं है। अच्छा तो इस पुलिस स्टेशन की स्ट्रेंथ कितनी है? 100% 100% है। किधर? 50% आपके सामने बैठी है और बाकी? बाकी 50% मेरे सामने बैठी है। पुलिस चाचा, पुलिस चाचा। चाचा और मैं? ए, मेरे को चाचा वाचा मत बोलना। ठीक है पुलिस भैया, मुझे भी पुलिस वाला बनना है। तुम जैसी मुझे भी वर्दी दो ना। बेटा अभी तू बहुत छोटा है, जरा बड़ा हो जा फिर मैं तेरे को वर्दी दे दूंगा। ओके? अभी दो ना, मैं आपको चने खिलाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे चने हैं। ये देखो। वाह बेटा, वर्दी के लिए रिश्वत? अरे अगर तुझे वर्दी मिल गई तब क्या करेगा तू? तू जा पहले पुलिस स्टेशन का बोर्ड ठीक कर। चल अटेंशन। चला। साला जिस गांव का बच्चा इतना बड़ा हो, सोचो उस गांव के जवान की। हिम्मत सिंह यार एक बात बताओ, इस गांव में बूढ़े हैं और बच्चे हैं, जवान कहाँ है? पुलिस चाचा, खाना। खाना किसने भेजा? दादी ने। दादी ने? दादी कहती है कि खाना खाने से तुम्हें ताकत आएगी और तुम ठाकुर को मारकर मेरे पिताजी को छुड़ाओगे ना। लेकिन कहाँ है तुम्हारे पिताजी? ठाकुर ने उन्हें कैद कर रखा है। मैंने अभी तक नहीं देखा मेरे पिताजी को, ठाकुर उन्हें छोड़ता ही नहीं है। मार दादी बहुत रोती हैं।
दादी तो कहती है जब मैं बड़ा जाऊंगा तो ठाकुर मुझे भी छीन ले जाएगा अपनी माँ से। नहीं बेटा, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। अच्छा, और तुम मेरे पिताजी को भी छुड़वाओगे? हाँ हाँ बेटा। अच्छा मैं जाता हूँ, माँ और दादी से कहूंगा कि पिताजी छूटने वाले हैं, पिताजी छूटने वाले हैं, पिताजी छूटने वाले हैं। हिम्मत सिंह, चक्कर क्या है? सर आप इस चक्कर में ना पड़े तो अच्छा है, वरना तकलीफ में आ जाएंगे। कैसी तकलीफ? ये तो ठाकुर ही जाने। ये ठाकुर कौन है? इस गांव के और आसपास के 16 गांव के सारे जवान ठाकुर के बंधुआ है, उसकी गुलामी करते। उनके नसीब का फैसला ठाकुर गजेंद्र सिंह ही करता है। ठाकुर गजेंद्र सिंह। मुझे नहीं चाहिए ये इंजेक्शन। मैंने कहा था ना, मुझे नहीं चाहिए ये इंजेक्शन। बेवकूफो, ये नशा नहीं जिंदगी है। जिंदगी अगर इसे लेने से इनकार करोगे तो अपनी जिंदगी को इनकार करोगे। ले ये इंजेक्शन, ले ये इंजेक्शन। नहीं ठाकुर साहब, जो आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। बस एक बार मैं अपनी माँ, बीवी और बच्चे से मिला हूँ। अगर अपने घर वालों की सलामती चाहता है तो बगैर आवाज किए काम कर। गुलामों, कान खोल कर सुन लो। जब तक तुम लोग मेरे लिए काम करते रहोगे तब तक तुम्हारे घर वाले जिंदा हैं, और जब तक तुम्हारे घर वाले खामोश हैं तुम लोग जिंदा हो। अगर किसी के भी मुंह से निकला कि हमारी जमीन में से क्या निकलता है तो उसके परिवार की लाशें गांव के चौराहे पर बिछा दी जाएंगी। प्रोफेसर, आपका अनुमान तो बिल्कुल सही निकला। इस मिट्टी में तो चांदी ही चांदी है। ये देखिए सैंपल। मैंने तो पहले ही कहा था इस मिट्टी में चांदी ही चांदी है। कम से कम मेरे ख्याल से 68% चांदी है इस मिट्टी में। प्रोफेसर, तुम्हारी खोज सही है लेकिन तुम्हारा अंदाजा थोड़ा गलत निकला। हमारी इस जमीन में चांदी की परसेंटेज 68 नहीं बल्कि 86 है। वैसे हम तुम्हें तुम्हारे काम की बधाई देते हैं। ठाकुर साहब, आप जो भी कर रहे हैं गैर कानूनी काम कर रहे हैं। प्रोफेसर, तुम पढ़े लिखे जरूर हो लेकिन महामूर्ख हो। सदियों से इस जमीन पर हमारे पुरखों का अधिकार रहा है और आज हमारा है, तो फिर इस जमीन में से निकली हुई चांदी पर सरकार का अधिकार कैसे हो गया? किसान अपनी जमीन पर फसल उगाता है तो उस फसल पर किसान का अधिकार होता है। वो अपनी जमीन पर कुआं खोदता है तो वहां से निकले हुए पानी पर किसान का अधिकार होता है। तो फिर हमारी जमीन से निकली हुई चांदी पर हमारा अधिकार क्यों नहीं? सरकार का अधिकार कैसे हो गया? इस तरह मिली किसी भी संपत्ति पे हक सिर्फ सरकार का होता है। ठाकुर साहब, मेरी बीवी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत मारिए। मैं आपसे वादा करता हूं मैं एक शब्द भी किसी से नहीं बोलूंगा। ठीक है, हम तुम्हारे बीवी और बच्चों को अनाथ नहीं करेंगे। विक्रम, इसकी जुबान और दोनों हाथ काट दो। मत कीजिए ठाकुर साहब, मेरी बीवी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आपने उस नए इंस्पेक्टर के बारे में कुछ सोचा? आज दो रोज हो गए
उसको चार संभाले हुए लेकिन वो हाजिरी देने नहीं आया। आज उसे जाने दो, आज माँ भवानी का दिन है, लेकिन कल उसके पास जरूर जाना। पुलिस भैया, मैं अंदर आऊं। क्या है भैया? भैया मुझे वर्दी पहनाकर पुलिस बनाओ ना। अच्छा, एक काम कर, पहले मेरे पैर दबा फिर वर्दी देता हूं। अच्छा, सर जी। ओ सर जी, सर जी, अटेंशन। सर क्या है बे? अरे मैं इतनी देर से आपको सर सर पुकारे जा रहा हूँ, वहां पे कि सुनते ही नहीं हो। वो क्या है कि मुझे सर सुनने की आदत नहीं है, आज तक लोग मुझे नाम से बुलाते थे। खैर, अब कौन सा तूफान आ गया? अरे सर जी, ठाकुर के आदमी आ रहे हैं। ठाकुर? ओ अच्छा, ठाकुर। ओ इंस्पेक्टर, तुझे नहीं मालूम ये गांव पुलिस या कानून से नहीं, बल्कि ठाकुर साहब के आशीर्वाद से चलता है। इसलिए यहाँ जो भी नया इंस्पेक्टर आता है वो पुलिस स्टेशन बाद में, पहले ठाकुर साहब के यहाँ हाजिरी देने आता है। कानून कभी किसी के सामने सर झुकाने नहीं जाता, बल्कि बड़े बड़े मुजरिम और सुरमा कानून के आगे अदब से सर झुकाने खुद आते हैं। अबे कहाँ से मारा ये डायलॉग, कहाँ से आई ये हिम्मत? ये वर्दी अपने आप में एक हिम्मत है, इसे पहनने के बाद डर खुद ब खुद निकल जाता है। जाएगा मगर तुम्हारी गुलामी कभी कबूल नहीं करेगा। सर जी, लगी तो नहीं आपके? नहीं चाहिए तुम्हारी कोई हमदर्दी। अरे जब मैं लड़ रहा था तब कोई आगे नहीं आया, अब मुझे पता चल गया कि तुम सब कायर हो। अरे इस वर्दी का मतलब समझता है तू हिम्मत सिंह? ये मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है, तुम सबके लिए है। इसे देखते ही समझ जाओ कि पहनने वाला तुम्हारी हिफाजत करेगा और तुम्हें इंसाफ दिलाएगा। मगर तुम कायरों से कुछ कहने का क्या मतलब? अब मैं अपनी जंग अपने आप लड़ूंगा।
और तू बैठ के तालियां मार रहा था, लड़ नहीं सकता था क्या? मैं कैसे लड़ता, मैं तो बच्चा हूँ ना। बच्चा? अरे गधे, हट्टा कट्टा जवान है तू। हट्टा कट्टा जवान हूँ तो मुझे भी वर्दी दो ना, मैं भी पुलिस वाला बनूंगा, मैं भी लड़ूंगा, ठाकुर को मैं भी मारूंगा। दिशुम, 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 दिशुम। ओ इडियट, मैं क्या तुझे तो कमिश्नर साहब भी वर्दी नहीं पहना सकते। मिनिस्ट्री डिसॉल्व हो गई है, इलेक्शन भी डिक्लेयर हो गए हैं, मैं अब कल तक ही मिनिस्टर हूँ, और समझ लो कि तुम भी कल तक ही कमिश्नर होगे। लेकिन अभी तक मैं रात के 8 घंटे ही बुरा आदमी था, लेकिन कल से अब मैं 2400 घंटे बुरा आदमी बन जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? इलेक्शन के बाद आप फिर होम मिनिस्टर बनेंगे और मैं पुलिस कमिश्नर, सॉरी। अच्छा, लेकिन मिनिस्टर तो तब बनूंगा जब इलेक्शन लड़ूंगा, और इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन मेरा सारा पैसा तो किंग ले गया है। सर, किंग के गिरफ्तार होते ही आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अरे किंग मिले या ना मिले, लेकिन मुझे मेरा पैसा चाहिए, और वो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। जाओ जाकर कुछ भी करो, खून करो, चोरी करो, डाका डालो, लूटमार करो, लेकिन मुझे मेरा पैसा लाकर दो। सर मैं काम नहीं कर सकता। अरे तो अपना घर बेचो, लेकिन मुझे मेरा पैसा चाहिए। Get out! कुसुम, कितने प्यार से मिलकर हम दोनों ने एक घर बनाया है, यही तो मेरी जिंदगी भर की पूंजी है, कमाई है, मैं इसे कैसे बेच सकता हूं? और फिर काजल को देने के लिए मेरे पास इसके सिवाय कुछ है भी नहीं। मैं इसे किसी भी कीमत पर बेचूंगा नहीं। इससे पहले कि इस घर को बेचने की नौबत आए, मैं खुद किंग की तलाश में जाऊंगा और उसे गिरफ्तार करके वापस आऊंगा। डैडी, मैं अमर से मिलने टंडारी कला जा रही हूं, आप परेशान मत होना। हाय राम। क्या हुआ? तुमने कपड़े ही नहीं पहने। मैं सन बात ले रहा हूँ। सन बात? वो क्या होता है जी? देखो, जब अंग्रेज लोग सूरज की धूप को सेकते हैं ना, उसे सन बात कहते हैं। सन बात? सूरज? पहले नजरें मिली, फिर ये दिल मिला।
जाने दी दे दिया नाम रब का लिया याद तुझको किया मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ छोड़ो ना क्या कर रहे हो जी जाओ ना क्या खेल रहे हो तू यहाँ क्या कर रहा है पहले तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर ले हो मैं खेल रहा हूँ गुड्डू इट्स अ गेम खेल ले हो मुझे भी खिलाओ ना अपने साथ मैं भी खेलूंगा तू भी खेलेगा हाँ यार गुड्डू अभी तू बहुत छोटा है जरा बड़ा हो जा फिर खेलना ये खेल और बाय द वे ये खेल तीन जनों का नहीं दो जनों का है इसे दो ही खेल सकते हैं तू जा यार मैं भी खेलूंगा वरना मैं खेल भी काट दूंगा पत्थर की तरह पुलिस भैया मैं गिर गया वो क्यों भाग गई पुलिस भैया वो क्यों भाग गई अबे चुप सारा खेल बिगाड़ दिया फिर पूछता है क्यों भाग गई पुलिस भैया तुमने कहा था ना कि ये खेल दो जन खेल सकते हैं तुम और मैं खेले पुलिस भैया कहाँ गए तुम पुलिस भैया ठाकुर साहब आपके आशीर्वाद से धंधा तो अच्छा चल रहा है लेकिन हम लोगों की मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं जी हाँ और इस बार हमें चांदी कुछ ज्यादा ही चाहिए कितनी भाई यही कोई 150 टन त्योहार नजदीक आ रहा है ना बहुत अच्छे 10 दिन के बाद आपके आदमी रामपुर की सीमा से चांदी ले जा सकते हैं वो तो हम ले जाएंगे पर ठाकुर साहब आज हमारे इस महल से परिचय तो करवाइए आओ आइए इधर आइए और ये रास्ता महल का वो रास्ता है जहां से हमारे सिवा और कोई नहीं जा सकता क्यों नहीं जा सकता ठाकुर साहब अगर कोई रात के अंधेरे में गाड़ ये सब क्या है ठाकुर साहब ये सब हमारे खामोश सिपाही हैं अगर कोई चोरी छिपे हमारे गार्ड से बचकर यहां तक पहुंच जाता है तो ये उसे खत्म कर देते हैं ठाकुर साहब आप वाकई कमाल के आदमी हैं हमारे सब काम कमाल के ही होते हैं ठाकुर साहब हाँ। इतना भला घर इतना अच्छा घर इनको अरे घर तो बहुत अच्छा है लेकिन घर में रहने वाला आदमी बहुत बुरा है बुरा आदमी
मुझे बुला आदमी से बहुत डर लगता है। पुलिस भैया यहाँ नहीं लेना, चलो यहाँ से, चलो चलो। अबे गुड्डू एक मिनट यार, तू घबराता क्यों है? मैं हूँ ना, देख मैं जो कहूँ वैसे ही करना, समझ गए? हाँ। बाकी नो प्रॉब्लम। तेरी तो वाह, तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ इंस्पेक्टर। हमारे आदमियों पर हमला करने के बाद भी यहाँ आ गया। ठाकुर साहब, मैं आपसे माफी मांगने आया था, आपको सलाम करने आया था। अबे सलाम कर साले। अटेंशन। देखिए ठाकुर साहब, मैं आपका गुलाम हूँ, आप मेरे मालिक हैं, अरे आप तो मेरे भगवान हैं। ठाकुर साहब आप जो चाहे ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा जिगर ले लो, मगर अपने प्यारे बच्चे को माफ कर दो। एक बात ध्यान में रखना इंस्पेक्टर, हम कुत्ते नहीं पालते, क्योंकि हमारे यहाँ कुत्तों का काम पुलिस करती है। तो लीजिए, बन गया आपका पालतू राजू। पुलिस भैया, ये सब क्या किया? गीला कर दिया। क्या गीला कर दिया? इंस्पेक्टर, तूने हम पर हाथ उठाया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ठाकुर साहब, पहली बार गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना। अरे आप तो ठाकुर हैं, आपका तो बहुत बड़ा है दिल। अरे सर देखिए, अगर आप नाराज हैं तो आप मुझे मारिए, मारिए मारिए बिंदास, लेकिन मुझे मार के आप अपने हाथ गंदे क्यों करना चाहते हैं? गुड्डू तू मार मुझे। पहले एक्चुअली मार दिया, कोई बात नहीं। ये कौन है? ठाकुर साहब, जिस तरह मैं आपका कुत्ता हूँ, ये मेरा कुत्ता है। देखिए गुड्डू फेच। और सर ये कुत्ता जिंदगी भर आपकी वफादारी करेगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। लेकिन बिस्कुट सरकारी खाता है, और वो भी हरे हरे कागज के। तुम पहले कुत्ते हो जो हरकतें बंदरों की करते हो। ये लो खाओ बिस्किट। अबे गुड्डू इतना तेज भाग क्यों रहा है यार, धीरे चलना। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं तुमसे कुट्टी हूँ। क्यों क्यों? ठाकुर के आदमी ने झगड़ा किया तुमसे, उससे मेरे चने गिराए, मुझे खूब रुलाया, और तुम मुझसे माफी मांग के उससे पैसे लेते हो, उससे बात करते हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। कुट्टी कुट्टी कुट्टी। अरे गुड्डू तू नहीं समझेगा यार, मैंने ये सब जानबूझ के किया। दरअसल मैं देखना चाहता था कि ये ठाकुर चीज है क्या, और फिर दुश्मन से लड़ने के पहले उसकी ताकत देखना बहुत जरूरी होता है। इस वर्दी की ताकत समझता है तू? नहीं। मैं भी नहीं समझता था, लेकिन जब से इसे पहना है समझ में आ गया इसकी कीमत क्या होती है। अब देखना मैं उस ठाकुर की ऐसी की तैसी कैसे करता हूँ। पुलिस भैया, पुलिस भैया, मैं भी ऐसी तैसी करूंगा ठाकुर की, मेरे पास भी बहुत बड़ा डंडा है। वेरी गुड गुड्डू, बस जिस तरह ये बात तेरी समझ में आ गई, अगर सारे गांव की समझ में आ जाए तो मजा आए। मेरी और इस गांव की अंधेरी जिंदगी में एक उम्मीद का दिया जला है, नया इंस्पेक्टर जो तेरे भाई और इस गांव के सारे जवान लड़कों को ठाकुर की कैद से आजाद कराएगा, गांव की खुशियां वापस लाएगा। माँ कौन है ये? मेरा बेटा जो ठाकुर की सेवा छोड़कर माँ की सेवा करना चाहता था, ठाकुर ने मार डाला उसे। जो वक्त गुजर गया उसे तो मैं नहीं लौटा सकता, लेकिन ये वादा करता हूं आने वाला कल बहुत अच्छा होगा मां, बहुत अच्छा होगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ है? क्या पुलिस स्टेशन?
वो रहा। अच्छा थैंक यू। ये क्या हो रहा है? क्या दादी? अरे उस दिन किसी ने गांव में इंस्पेक्टर के कपड़े चुराए और इस बेचारी के गांव में आने के पहले ही शायद रपट लिखाने गई होगी है। जानू जानू करके जान लेना चाहती है। और वो भी ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर की? कौन हो तुम? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ओह आई एम सॉरी, गलती हो गई। मैं काजल हूँ, कमिश्नर खुशहाल सिंह की बेटी। अब मैं समझी तुम इंस्पेक्टर हो। मैं आपको चोर नजर आता हूँ। मेरा मतलब है इंस्पेक्टर अमर हो, मैं उससे मिलने आई हूँ। यहाँ तो उसका ट्रांसफर हुआ था ना, तुम कौन हो? मैं सीनियर इंस्पेक्टर हूँ। अमर मेरा असिस्टेंट है, मेरा जूनियर। ओह मगर वो है कहाँ? अमर हाँ? वो एक भैंस ढूंढने गया। भैंस? हाँ जी, और वो भी चोरी नहीं हुई, घूम गई। क्योंकि मेरे होते हुए इस गांव में चोरियां नहीं होती। थैंक गॉड ये गांव किंग को नहीं मालूम। किंग? अरे बहुत बड़ा चोर है वो, बम्बई की पुलिस की तो उसने नींद उड़ा रखी है। उसी बदमाश की वजह से तो अमर का ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे, उसी को मिलने आई हूँ यहाँ। तो इतने खतरनाक रास्ते से यहाँ अकेले आने की हिम्मत कैसी की आपने? मैं अकेले थोड़ी आई हूँ। ये जो है मेरे साथ। इसका लाइसेंस है आपके पास? ओ गॉड, लाइसेंस तो मैं भूल गई। तो ये मैं रख लेता हूँ। छोटू इन्हें माँ के पास ले जाओ, आप जरा फ्रेश हो जाइए, मैं अमर को ढूंढ के लाता हूँ। मैं भी चलती हूँ, अमर से मिलकर ही फ्रेश हो जाऊंगी। अरे आप कहाँ भटकेंगी मेरे साथ, मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ ना। अब चलिए छोटू ले जा यार। अच्छा अब क्या करूंगा मैं? गुड्डू गुड्डू गुड्डू, तूने मुझे आवाज दी? तुझे पता ना मैं मछली पकड़ रहा हूँ, रात को बताऊंगा तुझे मैं। चल अंदर जा। ओ गुड्डू। हैं? फिर कोई बोल रहा? गुड्डू अबे कर क्या रहा है तू? देख नहीं रहो मैं मछली पकड़ रहा हूँ? और ज्यादा चिल्ला के मत बोलो वरना मछली भाग जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है, तेरे को पुलिस में भर्ती होना है ना? पुलिस में? मुझे वर्दी दो ना। वर्दी के लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। एक शर्त नहीं, मैं दो शर्त पूरी करूंगा, एक पतलून के लिए और एक कमीज के लिए। अबे चुप साला, जब देखो बकबक करने लगता है। अब ध्यान से मेरी बात सुन गुड्डू, वर्दी पहनने के बाद तुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी। एक्टिंग? एक्टिंग तो मुझे बहुत अच्छी आती है, मेरी तो नेशनल्स में एक्टिंग है। सुअर के बच्चों, वो दो थे और तुम तीन, दिल भी माल कर ली आए, क्या सोच के लाते? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। अब अगर और कुछ कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भून के रख दूंगा। अरे पहले मेरी पूरी बात सुन, मेरी बहन इस गांव में आई है, उसका एक अमर नाम के लड़के के साथ कुछ प्रेम का चक्कर चल रहा था। प्रेम समझता है तू? प्यार मोहब्बत इश्क। अब भैया गांव में ना मुझे भी एक भैंस से प्यार हो गया। एक बार गुड्डू, सिर्फ एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कर ले प्लीज। मुझे माफ कर दो भैया, हमका भूल हो गई। अमर एक पुलिस वाला था, बिल्कुल मेरी तरह स्मार्ट हैंडसम कूल, और उसकी शक्ल तुमसे मिलती थी। स्टूपिड इडियट फूल। काजल उससे बहुत प्यार करती थी, मगर इंस्पेक्टर अमर मेरी बहन को छोड़कर चला गया। इसका काजल पर बहुत गहरा असर पड़ा और वो उसके गम में कुछ पागल सी हो गई। भैया मुझे पागल बहुत अच्छे लगते हैं। अबे चुप, वो अभी पागल नहीं है। और हाँ, तुझे देखकर शायद वो तुझे इंस्पेक्टर अमर समझेगी, तुझसे प्यार करेगी, लिपटेगी। लेकिन खबरदार, अगर तूने कुछ उल्टा सुलटा किया तो जिंदगी भर के लिए हवालात में बंद कर दूंगा। नहीं भैया आप फिकर मत करो, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करूंगा। चलो भागो यहाँ से, क्या देख रहे हो? पीटूंगी डंडे से, चलो। अमर? अमर? ओ अमर, मैंने तुम्हें कहाँ जाने नहीं ढूंढा, तुम्हारे बगैर कैसे दिन गुजारे मैंने, कुछ मालूम है तुम्हें? अरे कोई खबर, कोई फोन, कुछ नहीं।
और डैडी भी तुम्हें कितना याद कर रहे थे मालूम? डैडी? अरे मुझ कब बना ली? और मिस्टर कोई खबर, कोई चिट्ठी, कोई फोन, कुछ नहीं? अब शर्म आ रही है? कमाल है, कहां तुम लोगों की परवाह किए बिना मुझसे मिलने आया करते थे, और अब मैं तुमसे मिलने आई हूँ तो तुम लोगों का लिहाज कर रहे हो? हाँ आजी लिहाज नहीं, वो क्या है कि कुछ लोग बुरी नजर से देख रहे हैं, उनकी नजर ना लग जाए। ओ, तो हम इन लोगों की नजरों से दूर चलते हैं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है, चलो। गड़बड़ करना। चले यूं रुक रुक के तेरी नजर उठे यूं झुक झुक के मेरी सांस चले यूं रुक रुक के तेरी नजर उठे यूं झुक झुक के हम साथी दोनों दुख सुख के हाय जिंदड़ी रह गई जल फूक के कर कोई जतन दिलदार नहीं ते मर जावांगे दोनों जावांगे को तीर बना ले कर तीर जिगर के पार नहीं ते मर जावांगे दोनों चल कर ले थोड़ा प्यार नहीं ते मर जावांगे दोनों चल कर ले थोड़ा प्यार नहीं ते मर जावांगे दोनों हाँ कर दे मेरे यार नहीं ते मर जावांगे दोनों अब ना कर इंतजार नहीं ते मर जावांगे अमर मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है तुम तो खुद सीनियर ऑफिसर हो ना ये
तुम्हारा सीनियर ऑफिसर कहां से आ गया? काजल ये सीनियर ऑफिसर नहीं, किंग है। क्या ये किंग है? वो पुलिस की वर्दी पहनकर पूरे गांव को बेवकूफ बना रहा है और तुम उसे अरेस्ट नहीं कर रहे हो? आया तो था मैं किंग को पकड़ने, मगर यहाँ के पता चला कि इस गांव में बहुत गड़बड़ है। पूरा गांव ठाकुर की चुंगल में फंसा हुआ है। किंग के इंस्पेक्टर बन जाने से मेरा काम काफी आसान हो गया और मैं आराम से ठाकुर की हर हरकत पर नजर रखने लगा। मगर तुम्हें बच्चे की तरह बर्ताव करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ठाकुर किसी जवान को इस गांव में रहने नहीं देता। काजल, इस गांव के बारे में यह कहा जाता है कि यह पुलिस वालों का कब्रिस्तान है। मैं इस कहावत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। वर्मा, मुझे आने में देर तो नहीं हुई? कार से आने वाले अक्सर देर से आते हैं। कुछ भी बात करने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि मुझे सुनने वाला कौन है? अगर कमिश्नर पूछेगा तो डिप्टी कमिश्नर जवाब देगा, अगर मेरे बेटे का दुश्मन पूछेगा तो बेटे का बाप जवाब देगा। तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है? इसलिए कि मेरे घर आना तुम्हारी शान के खिलाफ है और मेरा तुम्हारे घर आना मेरी नौकरी के खिलाफ। नहीं देवकी, तुम क्या जानो वो कि काले जो होम मिनिस्टर ने मुझे दी थी, वो धमकी, वो वार्निंग, घर भेजने की, तुम क्या जानो? होम मिनिस्टर का नाम लेकर तुम ये बात तो नहीं छुपा सकते कि तुम एक कायर, डरपोक और नाकाम इंसान हो। नहीं, मैं कायर, डरपोक, नाकाम नहीं हूं, मैं बीमार हूं। आज तुम्हारे बेटे की वजह से मेरे पास हार्ट ट्रबल है, मेरे पास शुगर है, मेरे पास डायबिटीज है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास अमर है। अमर कहाँ है? अमर वहीं जहां तुमने उसे भेज दिया, वो टंडारी कला, पुलिस वालों का कब्रिस्तान। इसका मतलब मेरी बेटी भी वहां है। अगर वो वहां है तो हम यहां क्या कर रहे हैं? वो जरूर किसी मुसीबत में है। आओ चलो वर्मा जी, चलो चलो। ए छोटू, कहाँ जा रहा है? मैं मरने जा रहा हूँ। क्यों? दादा ने मुझे मारा, वो मुझे पिताजी से मिलने नहीं देते है। इधर आ, रोते नहीं है। अब बता बात क्या है? वो गांव वालों ने मुझे बताया, वो पहाड़ी के पीछे मेरे पिताजी काम करते हैं। मैं वहाँ पर जा रहा था तो दादी ने मुझे मारा और कहती है वहाँ मत जाओ। तो कोई बात नहीं, हम तुझे वहाँ ले जाते हैं। अच्छा, आप ले जाओगे? हाँ, क्यों नहीं। इनमें से तेरा बाप कौन है? छोटू, पिताजी, पिताजी, पिताजी। मेरे पिताजी मिल जाएंगे ना तो देखना, खूब मारेंगे तुम्हें। क्या रे, तेरा बाप मुझको मारेगा? हमारे आदमियों पर गोलियां चलाई? पकड़ के ले आओ उस हरामजादे को।
आज तो तेरी लाश ही जाएगी ठाकुर साहब के पास। कहीं गांव छोड़ के तो भाग नहीं गए? बाहर निकाल। ये क्या कर रहे हो अमर? अच्छा अबे ये क्या? ये अनाड़ी कब से पुलिस वाला बन गया? ये मेरा चेला है, इससे जीत जाओ तो गुरु तक पहुंचना। जा गुड्डू। मैं जाऊं भैया। छत्ते ठाकुर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। छोटे ठाकुर मैं पुलिस बन गया हूँ, मुझे मत मारो। इंस्पेक्टर अमर। अब भूट ले बापू। पुलिस भैया, पुलिस भैया कहाँ हो तुम? पुलिस भैया छुपाकर भाग रहा है, लेकिन मैं तुझे चोरों की तरह भागने नहीं दूंगा। हाँ मैं चोर हूँ, चोरियां की हैं मैंने, मगर सिर्फ सेठ और साहूकारों के यहाँ। उनकी हराम की कमाई को गरीबों में बांटा है मैंने। नेक काम किया है, ये तुम्हारी और तुम्हारे कानून की निगाहों में जुर्म होगा, मगर मेरी निगाहों में कोई जुर्म नहीं। ठीक है, मगर आज जो तू कर रहा है ना वो बहुत बड़ा जुर्म है। हाँ आज तो उन गांव वालों की उम्मीदें उनके सपनों का खून करके जा रहा है। और उम्मीदें भी कौन सी, सपने भी कौन से जो तूने उन्हें दिखाए थे? अरे वो बेचारे तो तकलीफ में भी जी लेते, मगर तूने उनसे वादा किया था कि उनकी अंधेरी जिंदगी में उजाला दिखाएगा, ठाकुर से उनके खोए हुए बेटों को आजाद करवाएगा, इस गांव को ठाकुर के जुल्म से बचाएगा। और आज भाग रहा तू? हाँ उन गांव वालों को ना से कम उस बूढ़ी मां का तो सोच,
जो तेरे अंदर अपना गुजरा हुआ बेटा देखती है। मैं तुझसे जबरदस्ती तो नहीं करूंगा। अगर इस लड़ाई में तू मेरा साथ देना चाहता है तो रुक जा, और अगर चला जाना चाहता है तो चला जा। अगर ठाकुर की ताकत को तोड़ना है तो सबसे पहले उसकी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। अमर, अब आगे सिपाही का नहीं चोर का काम है। तू चोर मैं सिपाही, कौन सा रास्ता कहां जाता है दोनों को अच्छी तरह याद है। गुड लक। गांव के हर एक घर की तलाशी ली है, जंगल में भी आदमी भेजे थे, फिर भी दोनों नहीं मिले। मुझे तो लगता है डर के मारे भाग गए साले। नहीं, वो डर कर भागने वालों में से नहीं है, क्योंकि अगर वो बुजदिल होते तो तुमसे लड़ाई झगड़ा न करके सीधे हमारे दरबार में हाजिर होते। विक्रम, कुछ ऐसा करो जिससे कल सुबह का सूरज उनके लिए उजाला नहीं अंधेरा लेकर आए। Thank you.
भाई कौन हो तुम? यहाँ सोने की थाली है मगर खाना नहीं है, और पेट खाने से भरता है सोने से नहीं। अरे पानी पीने के लिए चांदी के गिलास तो है लेकिन पानी नहीं है। भाई साहब आप जरा ठाकुर जी से कहेंगे कुछ खाना पीना भेज दे, हम तो भूखे प्यासे मरे जा रहे। ठाकुर ने कानून को तिजोरी में बंद कर रखा है। अच्छी बात, कानून को सेफ जगह ही रखना चाहिए मगर खाने को तो देना चाहिए। तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ठाकुर का आदमी नहीं हूँ। तुम ठाकुर के आदमी नहीं हो? नहीं, मगर तुम्हारे लिए तो मैं फरिश्ता हूँ, तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। अच्छा, इसी को क्यों? मैंने क्या गुनाह किया है? मेरा मतलब तुम दोनों को। वर्मा जी मेरा रिवॉल्वर देना। रिवॉल्वर ठाकुर साहब के पास है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे पहले यहाँ से तो बचकर दिखाएं, फिर जो चाहे मुझे कर देना। ओके पॉइंट है सर, पॉइंट है। मैं तो भूल ही गया था, जो किंग आज तक मेरी जान का दुश्मन बना हुआ था आज वही मेरी जान बचा रहा है। मेरी नहीं सर, हमारी हमारी जान बचा रहा है। बेटा तुम दोनों ने तो अपना वादा निभा दिया मगर हम तुम्हारे प्यार की रक्षा नहीं कर सके। ठाकुर काजल और रानी को उठाकर ले गया और उसने तुम दोनों को भी बुलाया है। ठाकुर शाबाश, और जोर से, इनाम मिलेगा। यही है वो इंस्पेक्टर। रुक जाओ, आओ इंस्पेक्टर आओ। यहां की परंपरा है कि जब कोई नया इंस्पेक्टर ड्यूटी ज्वाइन करने आता है तो वो ड्यूटी के पहले दिन हमारे सामने हाजिरी देता है, लेकिन अफसोस तुम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन आए हो। मैं आ गया हूं ठाकुर, इन सबको छोड़ दो। ठाकुर की कैद में सिर्फ आने का ही रास्ता है, बाहर जाने का नहीं। मेरे बंधुआ मजदूर जो बरसों से मेरी गुलामी कर रहे हैं उन्हें छुड़ाकर तू क्या समझता है कि वो आजाद हो गए? अरे मैंने उन्हें नशे की ऐसी आदत डाल दी है कि अब वो बगैर नशे के जिंदा रह ही नहीं सकते। तू जानता नहीं ठाकुर, आजादी का नशा सबसे बड़ा नशा होता है, उससे बड़ा कोई नशा नहीं। जब नशे की तलब लगेगी तो आजादी का नशा खुद ब खुद उतर जाएगा। आज रात से पहले सब के सब यहीं पड़े होंगे मेरे कदमों में, मगर वो सब देखने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। अगर तू अपने आप को शेर समझता है तो आके लड़ मुझसे। हमें बच्चों के साथ लड़ना पसंद नहीं, मगर हम तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। तुम्हें हमारे एक आदमी के साथ लड़ना होगा, अगर तुमने उसे मार दिया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तुम दोनों की माशूकाओं की इज्जत का फैसला तुम दोनों की ताकत पर है। अगर तुम रुके तो तुम्हारी माशूका के कपड़े फटेंगे, और अगर तुम रुके तो तुम्हारी माशूका के कपड़े उतरेंगे। चलो शुरू हो जाओ। राजा मार मुझे नहीं, राजा मुझे मार।
विक्रम मार दो इन्हें। वर्मा जी रस्सी। वर्मा जी क्या सोच रहे हैं? मैं कमीशन बन जाऊंगा। अरे वर्मा जी जल्दी करिए, आप मुझे कमीशन बनाएंगे? प्रॉमिस। बनाऊंगा। रुक जाओ इंस्पेक्टर। नहीं, वरना मैं इसे नीचे फेंक दूंगा। नहीं मुन्ना। हम ज़ादे लगा निशाना इस कुत्ते का। चल क्या हुआ? अगर इसे मैंने मार दिया तो मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, और अगर इसे तूने मारा तो तेरी सजा कम हो जाएगी। चल मार निशाना। Ha ha ha.